मास तक तो बहुजन समाज के लोग हमारी आरक्षण की हर गीते हर कैसेट सुनते रहे, लेकिन मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि आरक्षण आपको कब मिलेगा। चार लाइन भाव है कवि का कि हर क्षेत्र में हमको साढ़े तीन वालों ने आडंबर में हमको नचा करके लूटा, सतयुग में लूटा और त्रेता में लूटा, द्वापर में अंगूठा कटवा करके लूटा। कि कलयुग में मेरे मसीहा को इसने अपने में शादी करवा करके लूटा, हिस्सा तो दूर अपनी कूटनीति से हम ही में झगड़ा लगा करके लूटा। तर्ज वही गजल के बाद कि तूने हर रात मोहब्बत की कसम खाई है, बात कहने की नहीं तू भी तो हर जाई है, बात कहने की नहीं तू भी तो हर जाई है। आज कवि कह रहा है उन साढ़े तीन वालों से ब्राह्मणों से कि हम न समझे थे कि भाई मेरा कसाई है, आज समझा कि ये खाता रहा कमाई है, खाता रहा कमाई है, आज समझा कि ये खाता रहा कमाई है। सुनो बहुजन समाज वाले ध्यान से सुनो, दिमाग अपना खोल करके कान से सुनो, अंबेडकर ने देश को विधान दिया है, जरूरत क्या थी कि हमारी बात किया है, कांसी ने नारा क्यों दिया बहुजन समाज का, सवाल आ गया है 85 के लाज का, पुराणों को पढ़ोगे आंख सहम जाएगी, अपना अपमान देख करके शर्म आएगी, पराशर लूटता रहा ऋषि के रूप में, लूटा है ठाकुरों को भी श्रृंगी स्वरूप में, इनका व्यवहार क्या है मैं आपको बताता हूँ, करेंगे आप इसको इसी से बताता हूँ। समझ जाएंगे आप इसी में भलाई है, समझ जाएंगे आप इसी में भलाई है, नहीं तो राह में काली ही घटा छाई है, भैया। बहुजन समाज के लोगों इस देश में 85 वाले सुन लो, अंबेडकर को क्या जरूरत थी कि आपकी बात करें, भारत के संविधान में 85% का कानून बनावें, क्या जरूरत थी कांसी राम को बहुजन समाज पार्टी बनाने की। साथियों आप पढ़े होंगे, अगर पुराण पढ़ेंगे आंख खुल जाएगी, उसमें कितना अपमान आपका हुआ है, यहाँ तक कि राजपूतों का भी अपमान इन ब्राह्मणों ने किया है। राजपूत की औरत राम
कि औरत सीता को ब्राह्मणों के द्वारा चुरवा दिया गया, यानी ठाकुर की यही इज्जत रही है। और मेरे साथी श्रृंगी ऋषि ने जो दशरथ के साथ किया, शायद आज के जमाने का कोई भी राजपूत बर्दाश्त नहीं कर सकता। कैसे व्यवहार में आरक्षण मिलेगा, कैसे शासन में मिलेगा, कैसे प्रशासन में मिलेगा, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनेंगे। तरज है बाप कि हम बिकाई गईली कबीड़ा पान के, हम बिकाई गईली कबीड़ा पान के। आज का व्यवहार में कैसे आपको आरक्षण नहीं दिए हैं, ब्राह्मण कैसे लूटते हैं, ये व्यवहारिक बात है। किया गईला बाबा जी देवता समझ के, अरे कईला प्रणाम पहचान हो, बोले जिया जिया जजुमान हो, अरे कईला प्रणाम पहचान हो, बोले जिया जिया जजुमान हो। तने जल्दी तू गईला जियावल ने, वतन जल्दी तू गईला, जतने जियावल ने, वतन जल्दी तू गईला, अरे घर का ना भईला ना घाटे का भईला, जिया जजुमान हो, बोले जिया जिया, अरे तू रहा बन के नादान हो, बोले जिया जिया जजुमान हो। पंडित जब दरवाजे पर आता है कहब जे पा लगे ना, तो वो कही जे जी आज ये थने जिया जिया बाभन कहलन, ओ थने पचासी वाला लोग हाल दे मुआ चल गई ला जा। यही से हम हमार नाम हकासीना जनते बड़ा जा, बाभनन के प्रणाम कर छोड़ दे है कि ना जी कहिया ना हम कहो मुआ। आ तोहनो लोग जहिए में आरक्षण ले ले बजा, प्रणाम ना कर बजा बाभनन का, उ जिया कहल छोड़ दिहन धरती पर तोहन लोग को मऊते न आई। और अरे ले ले बराज जब केंद्र में भाई, अरे पहला आरक्षण ई है जई बपाई, बोले जिया जिया जजुमान हो, अरे करी है प्रणामी तू आशीर्वाद देवो, जई है भूला श्री राम हो, बोले जिया जिया जजुमान हो। साथियों जब केंद्र में हमारा राज्य होगा, हम अगर इस देश की हुकूमत की बागडोर संभालेंगे, ठीक उल्टा करेंगे, 10,000 बरिस से हमनी का बाप दादा पंडित जी लोगन का पाव लागल, तनी साल भर ऊ लोग हमनी का लागे तो का छोट हो जाए लोग। सबसे पहले इसमें हम आरक्षण लेंगे ताकि ऊंच नीच का भेदभाव समाप्त हो जाएगा। और कहनाम बा कवि के तरज है बा
ये वीरा काशी बता दो कितना दूर पैरन में छाले पड़ी गयो। सहब अत्याचार न नैया भव से पार होई, जबले तू सहब अत्याचार न नैया भव से पार होई। उनकी माथा में बाड़ तू चा मार न नैया भव से पार होई। अरे उनकी माथा में बाड़ तू चा मार न नैया भव से पार होई। आज के जमाने में अगर चमार संस्कृत से मास्टर डिग्री लिया है लेकिन ब्राह्मण उसे पंडित मानने के लिए तैयार नहीं, आज भी ब्राह्मण के माथे में वह चमार है। भला बताइए आपकी नाव भव सागर से कैसे पार होगी? यादव खातिर लिखल गई बा कि यही आहिर बुद्धिमान जो होई, सठिया मुरू खगावार न नैया भव से पार होई। अरे ईता पर सठिया मुरू खगावार न नैया भव से पार होई। अहिर के तनो विद्वान हो जाए लोग कहिए जे अहिरन के बुद्धि 65 बरिस पर आवे ले 65 बरिस ले नाबालिक रहेलन। ये बतावो पाव लाग के कितना ऊपर चल जाइबा और एक टीवी सीरियल चलौ ले हुन रामायण टीवी सीरियल में रामायण सीरियल चलत रहल उमे का कहले रहन कितना पागल बनौले रहलन कि अरे टीवी सीरियल दिए चलाई टीवी सीरियल दिए चलाई हम हन गईली जा पगलाई। अरे हम हन गईली जा पगलाई कितना पागल बनवले धुआं धार न नैया भव से पार होई। कितना पागल बनवले धुआं धार न नैया भव से पार होई। में कितना हमन के पागल बनो ले हुए चाहे आप एम ए पास हो बीए पास हो बैचलर डिग्री लिए हो या पीएचडी किए हो कितना पागल बनाए हैं। इस भारत के लोगों को टीवी सीरियल चला करके गौर से सुनेंगे तर्ज वही बाब सरंगिया वाले कडेरावा बताई दे रे छोटा की नाना दी।
राम बनवले गोबिल के, राम बनवले गोबिल के दी पीका के सीता माई हो। गोबिल के दी पीका के सीता माई हो। सीता माई हो। जगत पितायो जग जननी कही करके होले पूजाई हो। जगत पितायो जग जननी कही करके होले पूजाई हो। जग जननी कही करके होले पूजाई हो। पहले कैलेंडर में राम का तस्वीर दूसरा आवत रहल, सीता का दूसरा आवत रहल, लेकिन जब से टीवी सीरियल पर रामायण चल गया, राम के जगह पर अरुण गोविल नाम की तस्वीर आ रही है, सीता के जगह पर दीपिका नाम की हीरोइन की तस्वीर आ रही है, और पंच इस देश के तमाम वासी धूप और अग्यारी देते हैं कि यही जगत पिता है और यही जगत जननी है, इससे भी बड़ा क्या पागलपन हो सकता है, कहनाम है कवि का। अरे सीता राम से शादी कैली ई लक्ष्मण से कैली हो। कहियो शत्रुघ्न सिन्हा संग कहियो केहू के धैली हो। अरे उन्हीं के जग जननी कही के, उन्हीं के जग जननी कही के का गाइला पगलाई हो। छपवाने का तो कैलेंडर में बाबा साहब का फोटो बनवावा हो। संग साहब अरे कांसी राम का खड़ा चित्र चिपकावा हो। अरे पूजा करी लो माई बाप का, पूजा करी लो माई बाप का, जे तोहके जान माई हो। के जन्माई हो। आरक्षण पूजा में ले लो, आरक्षण पूजा में ले लो, अब बाभन मरे भूखाई हो। साथियों अगर पूजा ही करना है तो तमाम काशी काबा छोड़ करके अपने माँ बाप की पूजा करना शुरू कर दीजिए। जो आपके माँ बाप न रहे होते आप इस धरती पर नहीं आए होते, कोई बिजनेस नहीं करते इस धरती पर का, तमाम जो आप देख रहे हैं आप धरती पर रहते नहीं अगर माँ बाप नहीं होते, तो सबसे बड़े भगवान है अपने माँ बाप की पूजा कर लीजिए। और पंडित से जो पूजा करवाते हैं छोड़ दीजिए, सबसे पहले आप पूजा में आरक्षण ले लीजिए, दक्षिणा आपकी बच जाएगी और उसी दक्षिणा का एक एक चदरा खरीद लेंगे, इस जाड़े में आपका काम करेगा मेरे साथियों। और एक बात और कभी लिखलन दूसर कौन आरक्षण ले लाई व्यवहारिक आरक्षण है तरज बाब अंगन बुहारी के दुआर घुरवा रखनी। जामी गईले मावा के गाछ बाबा तोर फुलवा बारी। ए
भैया कहे सत्यनारायण का कथा बन पुजरिया, कथा बन पुजरिया हो कथा बन पुजरिया, धोखा बाटे में बढ़िया रे मोरे बहुजन भैया, सत्यनारायण का कथा पंडित कहलन। हम एक सेकंड में कह दे तनी सत्यनारायण की कथा में कितना ठगेलन कि साधु नाम बनिया का कहानी सुनावेलन, कि नारायण का प्रसाद के दियावावेलन, बहुजन भैया आ गईले गुसियाई सरकार ए मोरे बहुजन भैया, सत्यनारायण बाबा का कथा कहलन जे साधु नाव के वो बनिया रहल ओकरी मेहरारू लइकिन के नाव रहल लीलावती कलावती, जात रहल सो एक आदमी सत्यनारायण बाबा का कथा कहवा के प्रसाद देवे लागल नाली हमसम, बस सत्यनारायण बाबा नाराज हो गेलन की अरे एक बनिया की हिम्मत जो आज हमारा प्रसाद नहीं लिया, तो सत्यनारायण बाबा खिसिया के कैलन काम। ये पंडित जी लोग सत्यनारायण बाबा की कथा में बतावेलन कि पूरा सोना चांदी वो कर धनिया बनावले, पूरा सोना चानी ओ कर धनिया बनावले, आ कथा कहवाई साधु बनिया सुनावले, अरे देहना सोना तैयार ये मोरे बहुजन भैया, आ डेढ़ना व सोना तैयार ये मोरे बहुजन भैया, बात समझ ल। सत्यनारायण खिसिया गेल न कहलन जे जाओ तुमने हमारा प्रसाद नहीं लिया, तुम्हारा एक नाव सोना चाना चानी धनिया हो जाए, धनिया हो गई। सत्यनारायण बाबा से कहल सुसाधु बनिया जे हे प्रभु हम तुहार कथा कहवाइब, एतने पर सत्यनारायण बाबा खुश हो गेलन आओगे डेढ़ नाई सोना चानी दे दिहलन। आज हम सत्यनारायण से पूछे तनी जवन बनिया कथा ना कहोलस खाली कहलस तो डेढ़ नाई सोना चानी दे दिहल, लेकिन अरे आप कई हजार बार कथा कहवला, वही बाबा जी के प्रसाद बटवला, बहुजन भैया आ रहल तेवन पाणे लिहल झार ए मोरे बहुजन भैया, दे दिलन जवन साधु नाव के बनिया कथा कहौलस ना खाली कहलस ओके डेढ़ नाई सोना चानी सत्यनारायण बाबा दे दिहलन। अब बहुजन वाले आज ले तुम लोग बाप दादा कई हजार बेर कथा कहवा के प्रसाद बांट दिहल सत्यनारायण बाबा को,
लेकिन तुम लोग मेहरारू के अंगूठी बनवावे भर सोना सत्यनारायण बाबा ना दिहलन। हाँ एक काम कैलन सत्यनारायण बाबा जरूर, का कैलन तराजू है बा कि पियाना सैतिया देखले याना सैतिया देखल डोलिया कहरवा भेजल अरे बिना रे सैतिया दुलहिन जालिन हो राम सत्यनारायण बाबा दी हलन आप लोगन के कि मतिया मराइल तोहरी कि मतिया मराइल तोहरी आ दहिया वोराइल तोहरी अरे पाड़े जी उल्टे ढेकार लंघोरा काम भइल जे जवन दही रहल उहो पंडित जी खा घलन इहे सत्यनारायण बाबा दे दिहलन कि आटा बनाई गइले आ पाव धोआई गइले पानी करेट जेवन आ दक्षिणा दियाई गईले अरे अब का तू बैठल मनवा मार लहोरा काम कैलन सत्यनारायण बाबा जे दही रहल उहो पंडित जी खा घलन एक आध सरे आटा धैले रहल उहो बांध के लेले चल दिहलन दस रुपया पानी के रेट रहल उहो गुरु दक्षिणा में लेके चल दिहलन आ जब जाए लगल तो कहलन कहला जे पाले गेला तो कहला आनंद करब मैं बांध के ले गेला उ बैठल घरे आनंद करब तू इहे सत्यनारायण बाबा देले हुअन तो कह नाम है अरे जब खबो नबो मरम लगेला मोरी मिली रे तबो देखो शरम लगेला लेकिन एक आपके उपदेश देले हुन कवि जी कि मोरे भाई हो सजग रह झपटी बिलारी अहिर के खई लसी राज भर के खई लसी अनुनिया मलाह बिना वलिया में धई लसी बनिया बन्हा बनिया पहाइल कोइरी पकड़ाइल कोड़ार में बनिया
अरे तेली तमोली बराई पान की बाजार में, ठेकेदार मोरे भाई हो सजग रह झपटी बिनार, भाई हो सजग रह झपटी बिनार, भाई हो सजग रह झपटी बिनार। अरे सबके फसाए बहन बनी गईल ठेकेदार मोरे भाई हो सजग रह झपटी बिनार, सबसे जा करलस ढेर ठाकुरन के जाके, आ कवच बनाई नका के पगला के, सजग रह झपटी बिनार, भाई हो सजग रह झपटी बिनार, भाई हो सजग रह झपटी बिनार। अरे एगो बसे से न धराइल बच्चा मार मोरे भाई हो सजग रह झपटी बिनार, साथियों यह ब्राह्मण बाद यादव राजभर नुनिया दीन कुशवाहा तेली तमोली सबको जकड़ करके रखा है, दूर जाना है साथियों, और सबसे ज्यादा तो ठाकुरों को जकड़ा है, कवच बना करके रखा है। जिस दिन ठाकुर ब्राह्मण वादियों से दूर हट जाएंगे ब्राह्मण वाद समाप्त हो जाएगा। अहिर तो हटत हूँ लेकिन ठाकुरन के समझावे के बाद अगर केहू ब्राह्मण वाद में ना जकड़ल बा सबसे चालाक जात बा ते धरती पर चमार बम जौना के बिलार झपटत रह गई लू भागत रह गई धराइल ना आज ले कैसे आऊ ठगेलन की खिचड़ी का मेला जब जनवरी में आई जाला। अरे पचासी के लोगन का तिलावा पर आइल बा पाणे जी का ऊख सब मिल में दियाई गईल खिचड़ी के दिन 62 बोरा लेके आइल बा कि तोहरे ओर आइल उन कर आज ले ओर आइल नहीं ई बा सब आरक्षण उनके घर में बनाइल बा कि लेके गईल आनंद कर तुए भाई कैसन दिमाग की ना आज ले बुझाइल बा साथियों खिचड़ी का त्योहार आवेला 14 जनवरी के लगेला 85 को लोग ढूंढा बनवावेला आप पंडित जी मैं अपन ऊख दे देलन मिल में आए के दिन खिचड़ी के 62 को बोरा लेके घूम दिया आज ले उनका नाव राइल हुई आ कहब जे पाल गिना तो कहें जे आनंद कर ढूंढवा ले गिना वो आनंद कर तू क्या ब्राह्मणवादी व्यवस्था है साथियों तो कह नाम है तरजू है बाम कि आज एक दसिया बिहाने दुआ दसिया तेरसिया कहना आई है हमारो बलमुआ तेरसिया कहना औरी कुल गावेली की पियत हुई है सिगरेटिया उड़ावत हुई है धुआवा झूमत आवेला कलकत्तावा से बलमा झूमत आवेला आ यही तरह
करज के जौन मन सरहंग मेहरारू रहली से गावेली सब की उखिया में खेललू रहरिया में खेललू भूलाई गईलू ना अरे भूलाई गईलू ना अपनी मुराक सुधिया भूलाई गईलू ना शूद्र कही हमनी के खूब गरी अवल सुन हो भाई जी काशी गणित लगवल सुन हो भाई जी पूरा शरीर चार वरण बतवल सुन हो भाई जी हम वहाँ बाभन सुनवल सुन हो भाई जी हाथ राजपूत पेट बैसर चवल सुन हो भाई जी अनिचवा शूद्र पढ़वल सुन हो भाई जी शूद्र सबके जन्म वल सुन हो भाई जी लेकिन हमें भूलवल सुन हो भाई जी वेद में लिखले हुआ जे शरीर में चार वर्ण बा मुह ब्राह्मण बा हाथ छतरी बा पेट बैसे बा करिया इसे नीचे शूद्र बम हम पूछे थे देखो हम हई गणित का विद्यार्थी हम ही जानी ला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन चुकी यह इसलिए यह हम कहते हैं जब करिया इसे नीचे शूद्र बम तो जब उन पैदा करेला सबके उ शूद्रे बम ते धरती पर जब सुधरे से सब कर पैदा इस बात कहाँ से बाभन छतरी पर से आगे सब सुधरे न बाम लेकिन बाभन या तो वेद फूंक दे और नहीं तो सब वर्ण को एक वर्ण में बना दे इसलिए कहनाम है अरे पचासी का भलाई तब होई पचासी का भलाई तब होई सब ही तरह का आरक्षण जब लिहल जाई तरजू है बाकी काली तेरी छोटी है परंदा तेरा लालिनी काली तेरी छोटी है परंदा तेरा लालिनी रूप की ओ रानी तू परंदे को संभालिनी किसी अजनबी पे तेरा आ गया जो दिल होगी बड़ी मुश्किल तर्ज यही बा लेकिन कह नाम बा कि ब्रह्मा का चार मुंह ब्राह्मण बताए ब्रह्मा का चार मुंह ब्राह्मण बताए आगे और पीछे दाएं बाएं समझाए अरे मूर्ख बनाए हमें जान के गंवार यार बात समझा आए हमके जान के गंवार यार बात समझा मूर्ख बनाए हमके जान के गंवार यार बात समझा वेद में लिखले हुआ बाभन कितना कल्पना कैले हुआ कितना झूठ बोलले हुआ कि ब्रह्मा जी का चार गो मुड़ी बा एगो आगे बा एगो पीछे बा एगो दहीने बा एगो बाएं बा अच्छा ठीक बा चारों ओर अगर ब्रह्मा जी का मुड़ी बा तो पंडित जी लोगन से पूछा जा
कि पूछा बाबा जी से तनी देऊ समझ आई। कौनी मुहे सुते ब्रह्मा लागे जब उहाई। आखिर जब चारों ओर मुड़िए बा ब्रह्मा जी का तो बाभनन से पूछा जे ब्रह्मा जी का उहाई लगे ले तो कौनी मुहे सुतेलन। कौनो मुहे सुतेन तो वही में हो जाई हैं। कौनी मुहे सुतेलन चित्त सुतेलन कि पट सुतेलन। अच्छा मानी ल कि पूछे बाबा जी से तनी देऊ समझ आई। कौनी मुहे सुते ब्रह्मा लागे जब उहाई। आ मानी लखी 24 घंटा जागे लगातार यार बात समझ। मान लगी 24 घंटा लगातार सुतेलन ब्रह्मा बेचारू को उहाई ना लगेले जगते रहेलन। तो एक बात और वेद में लिखले हुन साफ साफ तो नहीं पूछ ले जा पंडित जी लोगन से तरज है बा कि रतिया सुतल में जगवले बागजेड़ी बलमा। रतिया सुतल में जगवले बागजेड़ी बलमा। कहनाम बा कवि के कि अरे बतावे बाबा जी हो अब बतावे बाबा जी। ब्रह्मा जी का नाती अपना के बतावे बाबा जी। ब्रह्मा जी का नाती अपना के बतावे बाबा जी। वेद में लिखले हुआन कि बाभन ब्रह्मा जी की खानदान कहुअन। तने में कोनो गणित लगावे के बा न एमे कोनो आप लोगन के रामायण पढ़े के बा। सीधा सीधा आप लोग ये बात जान लो आप लोगन के समझ में आ जाई कि 85 का लोग तो हरा के हम बताई ना। लोग तो हरा के हम बताई ना। विद्यार्थी गणित कहा मगणित लगाईला। अरे तुहरा के फिर ना भूलवा मैं बाबा जी। ब्रह्मा जी का नाती अपना के बतावे बाबा जी। कहलन जे हमहन का ब्रह्मा जी की खानदान कहीं ज्यादा तनी पंडित जी लोगन से पूछा जा कि गाय नियर गाय हो ला बाप ससियार हो। हमहन अस होला जेवन बेटवा हमार हो। आप लोग पढ़ले हो भाई साहब कि गाय का लैका देखल हुई बजे गाय का लैका गाय नियर होला। भैंस का लैका भैंस नियर होला। सुअर का लैका सुअर नियर होला। सियार का लैका सियार नियर होला। हमनी का आदमी है जा हमनी का लैका आदमी नियर हमनी नियर होला सब। अगर पंडित जी लोगन के वेद में लिखल बात सही रही जे लोग ब्रह्मा जी की खानदान कहो तो कहनाम बम कि अरे काहे नहीं चार मुंह पावे बाबा जी। ब्रह्मा जी का नाती अपना के बतावे बाबा जी।
कहनाम बाकी अगर ये लोग ब्रह्मा जी की खानदान कर रही तो ब्रह्मा जी का चार गो मुड़ी बा तो कम से कम इन लोग का तीनों गो मुड़ी रहे के चाही, लेकिन इन लोग का यही मुड़ी बा सिद्ध करत पे बात चाहिए। बाभन झूठ बोलले हुवन लिखले हुवन वेद पुराण में अम्मा ब्रह्मा के खानदान का नहीं हुवन। ऐसे कहनाम बा साथियों, इसीलिए इस भारत वर्ष में 14 अप्रैल 1991 को एक सवेरा हुआ, एक सूरज उदय हुआ इस आडंबर को दूर करने के लिए, और उस सूर्य का नाम क्या था कि यही हुआ बाबा साहब को ज्ञान सान ना बाचल हो। आ पहले पढ़ले ही पंडित का महापुराण सान ना बाचल हो, पहले ही पंडित का महापुराण सान ना बाचल हो। अरे मूर्ख बनावे हमसे पौआ धोआवे, अरे अपने पढ़ेलन हमसे हर जोतवावे, अरे करते आए हैं हरदम अपमान सान ना बाचल हो। हमें बनाए हैं अपन जजमान सान ना बाचल हो, बाबा साहेब आज ले पुराण पढ़ी पढ़ी के गणित लगावत रह गिलन की अरे हर चीज के विद्वान हम, हर चीज के इंजीनियर हम, और ये हमें गुलाम बना करके ब्राह्मणवादी व्यवस्था में रखे हैं। वही भाव है कवि का कि मूर्ख बनावे हमसे पौआ धोआवे, आय अपने पढ़ेलन हमसे हर जोतवावे, बाचल हो। हमें बनाए हैं अपन जजमान सान ना बाचल हो, कर के संघर्ष पूरा कैले पढ़ाई, हाथ में कलम जब उनकी गैली आई, डाले वैसन संविधान सान ना बाचल हो, आय असली बहुजन समाज के भगवान सान ना बाचल हो, अरे बोले अंग्रेज संविधान वा बनई बे भैया, तब गई लिए भैया, अरे गांधी जी कब गई सार की तब गई लिए भैया, बभनन का भूलल सब ज्योति सब पुराण। अरे भैया आखिर अंग्रेजों ने ऐलान किया कि है कोई माई का लाल भारत में संविधान बना दे, हम लंदन में चले जाएंगे। कहाँ गई थी गांधी जी की वह बुद्धि, कहाँ थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, कहाँ थे मोतीलाल नेहरू, आ कहाँ रहल पंडित जी लोगन का पता राम, जौना में गणना लोग जाने ला पुराने तो कहे के बाम। ऐसा थी कहनाम बाम कि बाबा साहेब हमारे तैयार हो गई ले भैया,
राशन की बारी है भैया। लिखी दिहले रची के आरक्षण गुणवान, अरे लिखी दिहले रची के आरक्षण गुणवान, अरे पचासी वाला न के पचासी हिस्सा चाहिए भैया। ये होला आरक्षण का असली संविधान, और अरे उनके मुआवल ब्राह्मण दे के जहरवाए भैया। सविता से सदिया करा के गुणवान, और गईले बाबा साहेब कांसी राम आई गईले भैया। मिशन चलाए उनका बनी के महान, बीएसपी के रूप में चल लबा मिशनवाए भैया। हाथी चुनाव चिन्ह एकर पहचान, अनारा हमार सुना बहुजन भैया, बहुजन भैया। हमके चाही रोटी कपड़ा और मकान, की आडंबर से गला छोड़ाव, अरे बहुजन समाज के जिताव, आव आव हमारे भैया भलैया बदे। बाबा साहेब का सपना बहुजन से हुई है पूरा, नहीं तो पछताइबा भैया जम रही है अधूरा, तो के कटी है कसैया भलैया बदे। जब तक बाबा साहेब का सपना ना पूरा हुई, आज अबले व्यवहार में बा भंजन पूजा में तमाम चीजन में प्रणाम में आरक्षण ले ले हुआ ना ले ले बो, आज जब तक बाबा साहब का सपना पूरा नहीं होगा इस देश में 85% की गवर्नमेंट नहीं बनेगी, तब तक ये कसाई आपको डसते रहेंगे काले नाग। कहना है कभी का कि बाबा साहब का सपना बहुजन से हुई है पूरा, नहीं तो पछताइबा भैया जब रही है अधूरा, तो के कटी है कसैया भलैया बदे। तो यूपी पर कब्जा कैला तोहरा के धन्यवाद, लेकिन जमले केंद्र में होई बना जमले आजाद, डसी है बन गई मुदैया भलैया बदे। डसी है बन गई मुदैया भलैया बदे। उत्तर प्रदेश में तो आपने अपना कब्जा जमा लिया साथियों, जब तक आप केंद्र में नहीं अपना कब्जा कर पाएंगे, तब तक असली आरक्षण आपको मिलने वाला नहीं है। और एक तरफ से आप व्यवहार में आरक्षण ले लीजिए, और बाबा साहेब के आरक्षण से आप डीएम ले लेंगे, और साथियों भागीदारी से आप पीएम और सीएम ले लेंगे जब हुकूमत प्राप्त कर लेंगे। कि आरक्षण से डीएम लेंगे मेरे 85 भाई, वोट से लेंगे पीएम सीएम बहुजन के समझाई, तब गई है काशी गवैया भलैया बदे।
नाम है कि जब तक ये आरक्षण नहीं लेंगे डीएम आपके नहीं होंगे, और जब तक वोट का आप अधिकार नहीं समझेंगे, वोट की कीमत नहीं समझेंगे, पीएम और सीएम नहीं ले सकते। इस बार उत्तर प्रदेश में आपने अपने वोट की कीमत समझाया, आप सीएम ले लिए। आने वाले पार्लियामेंट के चुनाव में जब आप वोट की कीमत समझेंगे, पीएम भी ले लेंगे। तो आरक्षण से डीएम लेंगे मेरे 85 भाई, वोट से लेंगे पीएम सीएम, बहुजन का समझाई। तब गई है काशी गवई यहाँ भलैया बजे, कुसुम पराग देऊ कहते अब केंद्र की है तैयारी, भोला कट कांसी राम को पीएम देवा सवारी, 85 का भलाई तब होई, लेखनी काशीनाथ की आरक्षण दियवाई हो, 85 का भलाई तब होई, लेखनी काशीनाथ की आरक्षण दियवाई, 85 का भलाई तब होई।